बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, असद अजीज प्रेजिडेंट जनासो मार्केट। मैं थोड़ा फेस्टिवल के हवाले से बैकग्राउंड बता दूं कि यहाँ पे चूड़ी बाज़ार और मेहंदी बाज़ार लास्ट 28 ईयर से लग रहे थे, मगर लास्ट ईयर से जब से चैम्बर इन्वाल्व हुआ, खुसूसन एहसन ज़फ़र बख्तारी साहब की खुसूसी और ज़ाती कोशिशों की वजह से ये फेस्टिवल की सूरत अख्तियार कर चुका है। और लास्ट ये टू मार्केट इस्लामाबाद में ये फेस्टिवल का इनकाद हुआ था, J7 हमारे स्पॉन्सर J7 ग्रुप, रेडिसन और डिवाटसन। अब ये पांच मार्केटों में इसका अभी तक हो चुका है 2024 में इनकाद। और मुझे इंशाल्लाह ये लगता है कि चैम्बर जिस तरह अभी शहर की सतह पे फेस्टिवल का इनकाद कर रहे हैं, ये आगे जाके इंशाल्लाह पूरे शहर की सतह पे बढ़ेगा। और अभी 11:45 है, मार्केट में ट्रैफिक ब्लॉक है और फुटफॉल आप ज़रा दिखा दें पूरे मार्केट में कि इस वक्त जो हालात जा रहे थे बिज़नेस के उस के बावजूद भी मार्केट में इस वक्त भी काफ़ी गहमी है और रश है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही फेस्टिवल का इनकाद करते रहेंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो फेस्टिवल हमने लगाया है इसमें तमाम भाइयों की काफ़ी है, सबसे बड़ी काविश है वो हमारे प्रेसिडेंट ICCI जनाब एहसन मुख्तारी साहब की है। उसके अलावा एफ्टन मरकज की यूनियन, हमारे चेयरमैन और जितने ये मेरे भाई साहब मेरे खड़े हैं इनकी काविश, ख़ास तौर पर हमारे जी ये अली अक्रम साहब हैं, इन्होंने यकीन करें रात दिन मेहनत करके ये लगाया है, तो बहुत ही कामयाब है जी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह हमारे वतन को खुशहाल रखे, जिस तरह आज ये खुशहाली है तो वतन हमारा खुश रहे जी। तो इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा अली अकरम से थोड़ी सी बात वो भी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है जी फैसल मुजम्मिल, मैं इस वक्त खड़ा हूँ F7 जना सुपर मार्केट। और जैसे कि हमेशा की तरह यहाँ पर माशाल्लाह प्रेजिडेंट असद अजीज़ साहब इनकी सरपरस्ती में यहाँ पे हमेशा एक बाज़ार लगता है जिसमें लेडीज़ के लिए बड़ी ज़बरदस्त अच्छे रेट्स पर इनको फैसिलिटेट किया जाता है। मेहंदी लगाई जा रही है, चूड़ियाँ हैं, और इनमें यहाँ पे लास्ट ईयर भी बड़ा ज़बरदस्त हल्लागुल्ला बड़ी रौनक थी। और इस दफ़ा मैं जो मैनेजमेंट जनाब सुपर की तरफ से शुक्रिया अदा करूँगा, जो हमारे स्पॉन्सर हैं, रेडिसन हो गया और डिवाटसन हो गया और बाकी भी जो हमारे जो हमें सपोर्ट करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। उनकी वजह से माशाल्लाह ये रौनक लगी हुई है। और जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनका भी बड़ा हमेशा तावन रहा है यहाँ पे, बड़ा अच्छा कोऑपरेट करते रहे हैं। और जो प्रेसिडेंट है माशाल्लाह इनकी यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त ग्रिप है, इन्होंने बड़ा डिसिप्लिन यहाँ पर मेनटेन किया हुआ है। कोई आपको यहाँ पर लेडीज़ माशाल्लाह आ रही है, आधी रात हुई हुई है, लेकिन बेहतरीन एनवायरनमेंट में बड़ी कंफर्टेबल होकर यहाँ पे लेडीज़ जो है ना शॉपिंग कर रही हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबको कि जिनके पास टाइम है अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पे लेके आए। बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे गिफ्ट स्कीम भी चल रही है, फैमिली पैकेज चल रहे हैं, तो यहाँ पे ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, IET मरकज़ में इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री और ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन IET मरकज़ की मुश्तरका काविशों से और बिलखसूस सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जनाब एहसन ज़फ़र बख्तावरी साहब की ज़ाती दिलचस्पी से पूरे इस्लामाबाद में और बिलखसूस IET में ईद शॉपिंग फेस्टिवल की रौनकें आपके सामने देख लें भरपूर तरीके से जारी हैं। माशाल्लाह ना सिर्फ लोग शॉपिंग को इंजॉय कर रहे हैं बल्कि इसी तरह लोग जो है शॉपिंग के अलावा बेहतरीन इंटरटेनमेंट भी हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमारा नात का और इनामात का सिलसिला जो है वो ख़त्म हुआ है और इंशाल्लाह ताला क्लोजिंग सेरेमनी में इस्लामाबाद के पूरे इस्लामाबाद से यहाँ पे लोग आएंगे, म्यूज़िकल कंसर्ट होगा। और इसके अलावा यहाँ पे जो हमारा मेन मोटर बाइक के अलावा बहुत सी होम अप्लाइंसेस वो भी हम लोगों को बजरिए कुरानदाज़ी गिफ्ट कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में मैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर एहसन ज़फ़र बख्तावरी और इसके अलावा उनके जितने स्पॉन्सर्स हैं खसूसी तौर पर रेडसन ब्लू और 23 रियल स्टेट ग्रुप का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने IET मरकज़ और इस्लामाबाद की तमाम कम्युनिटी को शॉपिंग के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी मुहैया की। थैंक यू वेरी मच जी। ये जो ईद फेस्टिवल हमने लगाया है इसमें हमारे स्पॉन्सर जो हैं वो रेडिसन ब्लू है, डिवाटसन है और प्रॉपर्टी इनक्लेव है, और इन सब ने हमें सपोर्ट किया इस इवेंट को कामयाब बनाने में। और माशाल्लाह से यहाँ पर फैमिलीज़ बड़े सिक्योर माहौल में इस पूरे इवेंट को इंजॉय कर रहे हैं। IET मरकज़ में
ईद शॉपिंग फेस्टिवल में, तो हमारे साथ कस्टमर भी मौजूद है। हम उनसे पूछते हैं कि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री और आईएट मरकज़ की ट्रेडर एसोसिएशन की जानिब से जो ईद फेस्टिवल मनाया जा रहा है और जिसके हमारे स्पॉन्सर रेडिसन ब्लू और इसके अलावा 23 रियल इस्टेट ग्रुप हैं जिनके तआवुन से ये इतना खूबसूरत मेला सजा हुआ है, तो हमारे कस्टमर्स और इस्लामाबाद की जो लोग हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं। जी मैम, आपने ये विज़िट की है हमारे यहाँ के आईएट मरकज़ के ईद शॉपिंग फेस्टिवल के को, तो आपके क्या व्यूज़ हैं इसके बारे में प्लीज़? मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। आपको एक इन्वायरमेंट के अंदर, एक इवेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जिसमें मेहंदी के स्टॉल्स हैं, चूड़ियाँ हैं, ज्वेलरी है। आप यहाँ पे आए, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आपको एक इन्वायरमेंट के अंदर सब कुछ मिल जाएगा और बहुत अच्छे रिजनेबल प्राइस में, इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि आप देख लें कि ट्रैफिक उसी तरह रवान दवा है, किसी किस्म का ये मरकज़ में ट्रैफिक का इशू नहीं है। सिक्योरिटी के इंतहाई ज़बरदस्त इंतज़ाम है, जहां पर पुलिस और लेडीज़ पुलिस और इसी तरह सिक्योरिटी के तमाम अदारे भरपूर काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम इस्लामाबाद इंतज़ामिया के भी इंतहाई मशकूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मरकज़ में ईद शॉपिंग फेस्टिवल में तो हम अपने कस्टमर से बात करते हैं। मैम, आपने कैसा पाया इस इवेंट को? हाँ, वैसे ये कि मैंने काफ़ी मार्केट में विज़िट्स किया है। लास्ट टाइम जो है मैं मोती बाज़ार वाली साइड पे थी, तो वहाँ से बैंगल्स और इस तरह की एक्सेसरीज़ थी, लेकिन यहाँ पे मेरा अनफॉर्चुनेटली विज़िट हुआ, मैं यहाँ पे हमारी ट्रीट थी, अफ्तार पार्टी थी, तो मैंने देखा सामने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट हुआ हुआ था बैंगल्स का। देखें जो ईद के ओकेजन के अकॉर्डिंग, तो हमारी सारी एसेसरीज़ हो गई, हमारी बैंगल्स वगैरह, और बाकी सिर्फ बैंगल्स का ही नहीं, बड़ी अच्छी क्रीम कलेक्शन यहाँ पे अवेलेबल है और बहुत अच्छी अरेंजमेंट हुई, और स्पेशली फैमिलीज़ के लिए बड़ा कंफर्ट जोन बनाया हुआ है, तो मैंने काफ़ी लिए। और ये भी नहीं है कि प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है और क्वालिटी बहुत अच्छी और कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, सबसे बड़ी बात ये है, तो लकीली बहुत अच्छा है। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब, ये देख लें कि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और आईएट मरकज़ की ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन और स्पॉन्सर के साथ जो ईद फेस्टिवल सजा हुआ है, आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह फैमिलीज़ कैसे इंजॉय कर रही हैं और ज़बरदस्त किस्म की शॉपिंग के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी जो है वो भी यहाँ पर है। और ये देख लें, मेहंदी के स्टॉल्स लगे हुए हैं, और ये इस तरफ अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो हमारे इस तरफ फ्लावर्स के आगे फूड स्टॉल भी हैं। तो आए, आपको थोड़ा सा शॉर्ट सा विज़िट करवाते हैं कि लोग किस तरह यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। ये आप देखें जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की सेटिंग्स हमारे स्टॉल होल्डर्स हैं, और ये इसी तरह मेहंदी के स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, लोग जो है मेहंदी भी लगा रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं। और ये देखें, ये इसी तरह फूड स्टॉल है, आगे इस्लामाबाद की मशहूर शाहजी चाय वाले मौजूद हैं। तो ये सारी इंटरटेनमेंट, शॉपिंग, इंजॉय, और हम तमाम इन चीज़ों के फराहमी पर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतहाई मशकूर हैं। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत मैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अप्रिशिएट करता हूँ, बिलखसूस असम मुख्तारी साहब को, जो कि बड़े एक यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और बड़ी सलाहियतों के मालिक हैं। उन्होंने पिछले गुज़श्ता डेढ़ साल के अंदर जो उनकी परफॉर्मेंस रही है इस्लामाबाद चैम्बर के हवाले से, जो उनकी शानदार परफॉर्मेंस रही है उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज से बड़े इवेंट्स मुनक़द किए। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स को एक नई जीत दी है, और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू जो यहाँ पर प्रोग्राम मुनक़द हो रहा है, इस पर भी जो इन्होंने यहाँ पर इवेंट यहाँ पर किया है, यहाँ पर स्टार जो लगाए हैं, इस पर भी मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ और उनके विजन को मैं दाद देता हूँ। क्योंकि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 1.5 साल जो उनका ये जो पीरियड रहा है, इसके अंदर उन्होंने बड़ी शानदार इवेंट्स मुनक़द करवाए हैं। यहाँ पर उन्होंने बिजनेसमैन को यहाँ पर बुलाया है, मायर मायशियात को बुलाया है, और बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल को हल करने में उन्होंने बड़े कलीदी किरदार अदा किया है। उसके साथ साथ इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इमेज को बुलंद करने में बड़ा अहम रोल अदा किया है। मैं इसके साथ साथ जनाब जफर मुख्तारी साहब के विजन को भी अप्रिशिएट करता हूँ, कि उनके विजन की वजह से, यूनाइट फाउंडर ग्रुप के पूरे विजन की वजह से जो क्यादत वो प्रोवाइड कर रहे हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, उन्होंने बड़े मेरिट पे फैसले कर रहे हैं, और जो लोग आज चैम्बर के प्रेसिडेंट बन रहे हैं या SVP बन रहे हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस से, अपने इस सिलेक्शन को वो मतलब प्रूव कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर असन मुख्तारी साहब, उनकी पूरी टीम इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स को मज़ीद अपलिफ्ट करने में अपने भरपूर किरदार और अदा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये फेस्टिवल हमने ये दूसरी दफ़ा लगाया है और ये दोनों दफ़ा हमारे सदर जो हैं एहसन ज़फ़र बख्तावरी साहब ICCI के सदर हैं, उन्होंने इनके हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया है और उनकी काविशें प्लस हमारे चेयरमैन ताहिर अब्बासी साहब उनकी काविशों से, और ये जो स्टॉल में हमारे मेहंदी के स्टॉल, चूड़ियों के स्टॉल, और ये माशाल्लाह ये कामयाब स्टॉल रहा है हमारा पिछले साल भी और इस साल उससे ज़्यादा बहुत कामयाब रहा है। एक साइड पे औरतें मेहंदी लगवा रही हैं, इधर बाकी चूड़ियों की ख़रीदारी हो रही है। टोटल सर ये जितना जो स्टॉल हम आ रहे हैं ये सारे सिक्योर हैं और सारे कैमरे CCTV से सारे कनेक्टेड हैं। जो भी क्लाइंट आ रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं, उन सब के सामने जो कितने वो सारे सिक्योर हैं। इसके अलावा यहाँ पर पुलिस वाले भी हैं, लेडीज़ पुलिस भी हैं, हमारी अपनी सिक्योरिटी भी यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से जो क्वार्ट जो ख्वातीन आ रही हैं वो बिल्कुल ईजी फील के तौर पर शॉपिंग कर रही हैं और हर तरह के यहाँ पर उनको सहूलत मिल रही है। लाइटों के हिसाब से किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम इनको क्रिएट नहीं हो रही है। इसके अलावा जो कहते हैं रश माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हमारे स्टॉलों पर है और ख़ास तौर पर फैमिलीज़ का रश है, ये नहीं कि लड़के जो आते हैं इस तरह के, कोई इस किस्म का कोई रश नहीं है। अस्सलाम रहीम, मैं हूँ इमरान मिन्हास। आज मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ भी है यहाँ पे, ये एक F10 मरकज़ की ट्रेड यूनियन ने एक फैमिली फेस्टिवल लास्ट ईयर भी किया था, लेकिन ये जो फेस्टिवल है ये एक ज़बरदस्त नौयत का है। सिक्योर माहौल है, CCTV कैमराज लगे हुए हैं, बड़ा अच्छा माहौल है। यहाँ पे सिर्फ फैमिली की एंट्री है, फैमिली आ रही हैं, यहाँ पे मेहंदी स्टॉल्स हैं, यहाँ पे चूड़ियों के स्टॉल्स हैं और बड़ा खूबसूरत तरीके से यहाँ पे इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया F10 की ट्रेड यूनियन ने, जिसमें स्पॉन्सर्स भी हैं। इसमें ज़बरदस्त बात यह है कि इस्लामाबाद चैम्बर के प्रेसिडेंट ने खसूसी यहाँ पर तावन किया और उनकी तावन की वजह से ये ऑर्गेनाइज़ हुआ आज। तो बेहतरीन फैमिली के लिए मैं एक और आपके तवस्से से बताता चलूँ कि जो भी यहाँ पर फैमिलीज आ रही हैं, जो कल आएंगी उनके लिए कुरानदाजी के ज़रिए मेगा यहाँ पे इनामात उनको मिलेंगे, कुरानदाजी के ज़रिए उनको बम्पर प्राइजेस भी मिलेंगे, फ्री ऑफ कास्ट होंगे। तो फैमिलीज़ आएँ, सिक्योर माहौल है, CCTV कैमराज लगे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, लेडी सिक्योरिटी गार्ड्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो बेहतरीन एक अच्छे माहौल में हमारी फैमिलीज़ यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, डिस्काउंट प्राइस के ऊपर यहाँ पे चूड़ियाँ भी लें और अपनी मेहंदी भी लगवाएँ। ईद की खुशियों में ट्रेड यूनियन ने F10 की खुशियाँ दुबला कर दी हैं, इसको इंजॉय करें। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासिर हो।